विचारधारा क्या है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देश को जोड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। देश आज राममय हो चुका है, विचारधारा राम की चल रही है, देश में एक नई जागृति शुरू हुई है। कुछ लोग देश की इस प्रगति को, इस भव्यता को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक नकारात्मक राजनीति जो करते हैं। देश की जनता पिछले दो चुनाव में उनको उत्तर दिया है, इस बार भी उत्तर देगा। सर, शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ने केजरीवाल को चौथी बार समन किया है, वहीं केजरीवाल के मंत्री का कहना है कि 18 से 20 के बीच केजरीवाल गोवा में रहेंगे और उसी दिन उनका समन। देखिए, कितना भी कहीं वो छुपे, बिल में घुस जाए, लेकिन कानून की पंजा उन तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो लोग स्वच्छता की बात करके राजनीति में आए थे, लोकपाल की संवैधानिक मान्यता के बारे में वकालत करते थे, वो आज प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कानून से क्यों भाग रहे हैं? चोरी किए हैं, गड़बड़ी किए हैं, शराब नीति गलत बना के उस प्रदेश की जनता को उन्होंने धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, बेईमानी किया, भ्रष्टाचार किया, इसकी तो फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में देश को सपना दिखा रहे हैं, अमृतकाल का सपना दिखा रहे हैं, वो अमृतकाल नहीं अन्यायकाल है। देखिए, 10 करोड़ घरों में मुफ्त में LPG चूल्हा पहुँच गया, 4 करोड़ लोगों की सर के ऊपर पक्की छत बन गई 1.5 लाख रुपया की, किसान सम्मान निधि करोड़ों की लोगों की बैंक खाते में जा रहा है, जनधन खाता खुले, 11 करोड़ शौचालय बने, आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल पड़ी है, अमृत एक्सप्रेस चल पड़ी है, उड़ान की एयरपोर्ट्स देश की छोटे शहरों में बन चुका है, हवाई चप्पल वाले भी आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, रोजगार बढ़ी है, बेरोजगारी सबसे कम है अभी इन दिनों में। ये सब देख के कांग्रेस पार्टी को अगर दिन में उनको सूरज नहीं दिख रहा है तो उनको तो जंडिस ही हुआ है, सब उनको पिला पिला दिख रहा है। जयराम रमेश जी चिकित्सा कराए।